पानी की समस्या से परेशान लोगों ने कांग्रेस पार्षदों के साथ मिलकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और गंदे पानी की सप्लाई पर रोक लगाने की मांग की। वहीं पार्षद ने समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर नगर पालिका का घेराव करने की चेतावनी दी। परासिया के कांग्रेसी पार्षदों ने नगर वासियों के साथ मिलकर पानी की समस्या को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पानी की बढ़ रही निरंतर समस्याओं और गंदे पानी की सप्लाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस दौरान पार्षद वीर बहादुर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पीने का पानी साफ व स्वच्छ नहीं मिल रहा है और गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। यदि बहुत जल्द पीने के पानी की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो नगर पालिका का घेराव किया जाएगा, जिनकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एक से लेकर छह वार्डों में गंदा मटमैला और बदबूदार पानी मिल रहा है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लोगों के गाले नहीं गल रही, चाय फट जा रही, गले में खराश हो रही, ऐसी अनेकों परेशानी हो रही। आज माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन देकर हम समस्त कांग्रेसी पार्षदों ने ये आह्वान किया है कि अगर एक 24 घंटे के अंदर स्थिति नहीं सुधारी गई तो समस्त कांग्रेसी पार्षदों द्वारा नगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन नगर पालिका प्रशासन। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।